नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्त्रियों को घर के अंदर ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो घर में दुख और दारिद्र्य आता है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर से रूठकर चली जाती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर पति पत्नी को शिवजी और माता गौरी का रूप माना जाता है। शिवजी और माता गौरी एक दूसरे के पूरक है, अर्धनारीश्वर है। ठीक उसी प्रकार पति और पत्नी भी एक दूसरे के अर्धांग होते हैं, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। विवाह के पश्चात पत्नी का भाग्य भी पति के साथ जुड़ा होता है। पत्नी के कर्म, यज्ञ, धर्म कार्य, पुण्य आदि का फल पति को भी प्राप्त होता है और उसी प्रकार से पत्नी द्वारा किए गए गलत कर्मों का भुगतान पति को भी सहन करना पड़ता है। हमारे हिंदू समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माना जाता है, किंतु कुछ महिलाओं के गलत वर्तन से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से चली जाती है और ऐसे घर में उनकी ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती है। अगर आपको भी आपके घर में कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा है तो इन गलतियों को तुरंत सुधार लें, अन्यथा आपको भी इनके बुरे परिणाम सहन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अलक्ष्मी के घर पर आने से क्लेश और बीमारियां बढ़ने लगती है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कि ऐसे कौन से काम है जो घर की महिलाओं को भूल से भी नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पहला काम, घर की महिलाओं को कभी भी संध्या के वक्त बाल खुले रखकर घर में नहीं घूमना चाहिए। कई घरों में महिलाओं को आदत होती है कि वे संध्या के वक्त अपने बाल सवारने लगती है और घर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाल खोलकर घूमती है, पर ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। संध्या के समय केश खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी निवास नहीं करती। दूसरा काम, आपने कई महिलाओं को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा करते, गप्पे लड़ाते या भोजन करते देखा होगा, किंतु घर की लक्ष्मी का मुख्य द्वार पर औरत बने रहना ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और मुख्य द्वार पर ही महिलाएं रास्ता रोककर बैठ जाएं तो मां लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है। और इस बात का भी अवश्य ख्याल रखें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होकर प्रवेश करें। तीसरी बात, बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती रहती है। आपको बता दें कि अगर घर की महिलाएं सूर्योदय के बाद भी सोती रहती है तो घर में आई बरकत भी चली जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। कृपया प्रातःकाल सवेरे उठकर ही भगवान श्री हरि का आशीर्वाद लें और घर में धूप दीप करें, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे। चौथी बात, रात को या हर वक्त घर में झूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, इसी कारण ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। जितना हो सके रसोई घर को स्वच्छ रखें, झूठे बर्तनों को रात को ही साफ कर दें या ऐसा न कर पाए तो झूठे बर्तनों को रसोई से बाहर रखें। इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि घर की महिलाएं झूठे बर्तनों में खाना ना खाएं और दूसरों को भी ना परोसें। पांचवी बात, पत्नी प्रेम, सहनशीलता, ममता और त्याग की मूरत मानी जाती है, किंतु कुछ महिलाओं की वाणी अत्यंत कटु और क्लेश पैदा करने वाली होती है। उनके स्वभाव में ही शिकायत करना और मनमुटाव जैसी प्रवृत्तियां स्थापन होने लगती है और जिस घर में पति और पत्नी के बीच सदैव ही क्लेश बना रहता है उस घर में माता लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करने लग जाती है, जिससे घर की सुख समृद्धि, वैभव, सकारात्मकता और भक्ति घर से दूर जाने लगती है। कृपया घर में आपसी प्रेम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, इससे घर की बरकत में वृद्धि हो जाएगी। छठी बात, जिन घरों में द्वार पर आए भिक्षु का तिरस्कार किया जाता है
ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। अगर आपके द्वार पर आए भिक्षु का अपमान होता है या उन्हें कुछ भी ना देकर वहां से भगाया जाता है, इसके अलावा द्वार पर आई गाय को बिना रोटी खिलाए ही भगाया जाता है, तो ऐसे घर से सुख समृद्धि और शांति दूर चली जाती है। घर की महिलाओं को कभी भी बिना श्रृंगार सुना नहीं रहना चाहिए। घर की बुराई और शिकायत दूसरे व्यक्तियों से नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में धूप दीप करना कभी भूलना नहीं चाहिए और बात बात पर अपने पति को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य हो या फिर गरुड़ पुराण हो या किसी भी उपनिषद को उठाकर देख लीजिए, कुछ न कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है कि अगर आप रोज सुबह के समय इस प्रकार का कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने दैनिक जीवन के साथ साथ महीना, सप्ताह, साल और अपने संपूर्ण जीवन को भी खराब करने का कार्य करते हैं। इसीलिए आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य इस बात का ध्यान रखें कि महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। चाहे महिला किसी भी रूप में हो, आपकी पत्नी के रूप में, आपके माता के रूप में, आपकी बहन के रूप में, किसी भी स्त्री का अपमान करना सुबह के समय बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। अगर आप किसी महिला का अपमान रोज सुबह करते हैं तो दोस्तों, देखते ही देखते आपके घर से कामयाबी चली जाती है। आपके घर के अंदर दरिद्रता अपना पांव पसार लेती है। इसी वजह से दोस्तों, रोज सुबह उठकर किसी भी महिला के सामने आप अच्छे तरीके से और हसमुख मिजाज के साथ पेश आएं। उसके बाद देखिए, उनकी तरफ से वापस जो अपनत्व प्राप्त होता है, समझ लीजिए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। दूसरे कार्य की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आ जाए, जैसे सुबह सुबह आपने किसी प्रकार का कोई कार्य न किया हो और आपने पूजा पाठ भी अपने घर के अंदर नहीं किया हो और उससे पहले कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने आ जाता है, तो आपको भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप रोज सुबह का इस प्रकार का नियम नहीं बना लेते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही कभी भी आपको सीधे तौर पर जाकर किसी से बहस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह उठकर किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला पूरा दिन बहुत ही बेकार जाता है और आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसी वजह से सुबह उठकर किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करना साक्षात आपके दिन को खराब करने के बराबर माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर झूठ से ही अपने दिन की शुरुआत करता है तो ये अशुभ माना जाता है। और विशेष तौर से ध्यान रखें, कभी भी माता पिता अपने छोटे बच्चों के सामने झूठ ना बोलें और बच्चों को भी आप इसी प्रकार की शिक्षा दें कि वे झूठ नहीं बोलें। सुबह के समय बोला गया झूठ समझ लीजिए यमलोक लेकर जाता है और ये झूठ आपको कभी भी आपके कार्यों में असफलता दिलाता है। आपने कितने भी प्रकार के सकारात्मक कार्य किए हैं तो उनके ऊपर ये झूठ पानी फेर देता है, इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह सुबह अगर आपके घर के अंदर ऐसा नियमित तौर से हो रहा है कि रोज सुबह आपके घर में दूध फट जाता है, और अगर आपके घर के अंदर लगातार ऐसा हो रहा है, दूध सुबह सुबह फट जाता है, तो दोस्तों इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अगर लगातार आपके घर में ऐसा हो रहा है तो ये गरीबी आने का संकेत होता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें और लगातार आपके घर में दूध फट रहा है तो किसी न किसी रूप से उससे बच जाएं। अगले चीज की बात करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर सुबह के समय में अगर आप किसी प्रकार के कार्य नियम से नहीं करते हैं, जैसे सुबह उठते ही आपने भगवान की पूजा पाठ करना तो दूर, बल्कि जब सूर्योदय हो जाता है उसके कई घंटों बाद भी आप सोते रहते हैं, तो दोस्तों आपके घर के अंदर दरिद्रता अपने आप ही पांव पसार लेती है। जिस प्रकार सूर्योदय होने के साथ साथ उठने का नियम होता है, अगर आप उसके बाद भी उठ नहीं पाते हैं तो आप जल्दी उठने की आदत बना ले। जिस घर के अंदर सुबह जल्दी सवेरा हो जाता है वहां पर लक्ष्मी वास करती है, वहां पर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें।
इसी तरह दोस्तों, सुबह के समय कई व्यक्तियों की आदत होती है कि तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते सुबह के समय अगर आप तोड़ लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ वारों के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही की जाती है। जैसे कि शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, इन वारों के दिन या ग्यारस का दिन हो, इन दिनों में तुलसी के पत्ते भूलकर भी आपको नहीं तोड़ने चाहिए। अगर सुबह के समय आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। इसी तरह सुबह होते ही ये हरि भजन का समय होता है, भगवान की पूजा पाठ का समय होता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय ही किसी प्रकार का गलत कार्य करता है, किसी प्रकार का गलत संबंध बनाता है, या फिर अगर आप अपनी सुबह उठने की शुरुआत नशे के साथ करते हैं, शराब मांस के सेवन के साथ गुटखा आदि खाकर दिन की शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों वो आपकी सुबह आपको नर्क में ढकेलने का कारण बन जाती है। आपकी वो सुबह आपके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं लेकर आती है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सुबह की शुरुआत करनी है तो आपको किस प्रकार करनी चाहिए ताकि आपके घर परिवार में सकारात्मकता बनी रहे, तो अपने घर की सुबह की शुरुआत में सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाएं। पूरे घर की साफ सफाई आप सुबह के समय ही कर लेते हैं तो वो आपको कई गुना प्रभाव देने वाली होती है। आपके जीवन में हर प्रकार का सुख आने का वो बड़ा संकेत माना जाता है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठते ही आपको अपने घर में साफ सफाई कर देनी चाहिए। दूसरे चीज की बात करें तो रोज सुबह जो व्यक्ति तुलसी माता को जल अर्पित करता है उसके जीवन में कभी भी कंगाली देखने को नहीं मिलती है, उसे अपने आप ही हर सुख प्राप्त हो जाता है। और देखते ही देखते उस व्यक्ति के जीवन के अंदर की जो दरिद्रता नामक चीज होती है वो चली जाती है। इसीलिए सुबह के समय आपको ये नियम जरूर बनाना चाहिए। सुबह के समय अगर कोई व्यक्ति माता तुलसी को जल अर्पित करता है, माता तुलसी की नियमित पूजा पाठ करता है, उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। उस घर का कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाता, इसलिए सुबह की शुरुआत माता तुलसी को जल देने के साथ करें। इसी तरह दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े, सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत हो, तो आपको आपकी सुबह की शुरुआत भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के साथ करनी चाहिए। अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के साथ अपने सुबह की शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे किस प्रकार आपके घर में खुशियां आने लगेगी, आपके घर में धन आगमन होने लगेगा, और धन के मामलों में आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का साथ या इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य को जल देता है उसकी कुंडली अपने आप खिल जाती है और उसकी कुंडली में बरकत देखने को मिलती है। इसी तरह पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी ये तिथियां ऐसी होती हैं कि अगर आप इस दिन सुबह के समय अपने घर के द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो वो आपके घर से दरिद्रता दूर लेकर जाता है और आपके घर के अंदर दरिद्रता के स्थान पर धन बस जाता है, और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सभी सकारात्मक शक्तियां आपके घर में निवास करती है। अगर आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है, कोई वास्तु दोष होता है, या फिर आपके ग्रह की स्थिति बिगड़ जाती है, तो अमावस, एकादशी और पूर्णिमा इन दिनों में अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर के पूजा घर में सुबह के समय आपने स्वास्तिक का निर्माण कर दिया तो वो सारी बाधाएं अपने आप ही चली जाएगी और आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि सुबह के समय आपको भूलकर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे हतोत्साहित हो जाए। जैसे कि सुबह के समय अगर आप क्रोध करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, सुबह के समय क्रोध कर देते हैं, या आवेश में आकर सुबह के समय किसी सामने वाले व्यक्ति को आप कुछ उल्टा या अपशब्द बोल देते हैं, तो दोस्तों ऐसे घरों में और ऐसे लोगों के पास कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। अगर आप इन बातों का नियम बनाकर अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, और देखते ही देखते आपके घर परिवार में खुशियां देखने को मिलेगी, और माता लक्ष्मी का ऐसा सकारात्मक वास आपके घर परिवार के अंदर होगा कि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाएंगे वहां पर आपको तरक्की जरूर मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय मां लक्ष्मी का जाप जरूर करें।
ताकि इस प्रकार की सकारात्मक जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।